हेलो। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस रिलेटेड टू इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट सिस्टम्स। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर? ए, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट यहाँ लिख देते हैं ए, यहाँ कहीं बी बीच में, यहाँ सी और यहाँ डी। ठीक है, ये ऑब्वियसली शीट्स हैं, कुछ नहीं बताया, तो नॉन कंडक्टिंग है। मैं शीट को नंबरिंग कर रहा हूँ 1, 2 एंड 3। ठीक है, इनके ऊपर जो सिग्माज हैं वो दे रखे हैं, इसका सिग्मा -2 सिग्मा, 3 सिग्मा एंड -5 सिग्मा। तो ए पर फील्ड, ध्यान से देखें, पॉइंट ए यहाँ कहीं है। अब तीनों बार मैं पहला एरो 1 की वजह से बनाऊंगा। ए पर पहला एरो है नीचे की ओर, क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो टूवर्ड द चार्ज, और वैल्यू होगी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दूसरा एरो ए पर अवे फ्रॉम द शीट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ऊपर की तरफ, और वैल्यू होगी 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती हुई नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हुई फील्ड, प्लस एक और है -5 सिग्मा, ये भी नेगेटिव है, तो टूवर्ड्स द शीट। ठीक है, इस पॉइंट से शीट की तरफ जाएंगे तो नीचे जाना पड़ेगा, इसलिए टूवर्ड्स द शीट, और ये वैल्यू है 5 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इन तीनों को जब हमने ऐड किया तो हमें मिल रहा है 5 एंड 2 7 नीचे, 3 ऊपर, सो ओवरऑल 4 बाय 2 मीन्स 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नीचे की ओर। अब देखते हैं पॉइंट बी पर, पॉइंट बी यहाँ कहीं है। तो बी पर जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा पहले की वजह से फील्ड देखी, तो ये माइनस फील्ड नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज, वैल्यू होगी 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज की फील्ड बी पर अवे फ्रॉम द चार्ज ऊपर की ओर। ध्यान से, बी पॉइंट यहाँ कहीं है और मैं पॉजिटिव चार्ज से उससे दूर जाऊंगा तो ऊपर की ओर जाना पड़ेगा यहाँ पॉइंट बी के लिए, एंड दैट विल बी 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस बी पॉइंट पर -5 की फील्ड। बी पॉइंट से शीट की तरफ जाएंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, एंड दैट वैल्यू विल बी 5 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमें दिख रहा है कि 2 एंड 3 ऐड हो रहे हैं और 5 नीचे की ओर है, सो द टोटल फील्ड इज कमिंग आउट टू बी 0। अब आते हैं यहाँ पर सी पॉइंट पर। सी पॉइंट पर माइनस की वजह से टूवर्ड्स द चार्ज ऊपर की ओर 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस 3 की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज पॉजिटिव है, तो सी से जब मैं दूर जाऊंगा तो शीट से भी दूर जा रहा हूँगा, देन इट विल बी 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट में -5 की वजह से सी पर, सी से आप शीट की तरफ जाएंगे क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, सो दैट विल बी 5 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये वैल्यू आ रही है 2 ऊपर 3 और 5 नीचे, सो 8 नीचे 2 ऊपर, सो दैट इज 6 बाय 2। 6 बाय 2 होता है 3 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नीचे की ओर। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट पर आप ध्यान से निकालेंगे तो यूल गेट फील्ड एज 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एंड द डायरेक्शन विल बी अपवर्ड। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आउटर मोस्ट पॉइंट्स पर जैसे डी और ए, फील्ड की वैल्यू सेम होती है और डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो ये किसी भी एक पैरेलल प्लेट सिस्टम के लिए आप रूल बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रूफ है जो सारे पैरेलल प्लेट सिस्टम्स ऑफ कंडक्टिंग प्लेट्स में चलेगा। तो इस प्रूफ को बहुत ध्यान से देखें और इसको फिर फाइनली हम एक रूल की तरह याद कर लेंगे एंड अप्लाई टू डिफरेंट सिचुएशंस। तो देखते हैं, मान लेते हैं एक पैरेलल प्लेट सिस्टम है जिसमें दो प्लेट्स हैं, हमने चार्जेस Q1 Q2 दिए। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि जो फेसिंग साइड्स हैं ऑफ टू डिफरेंट प्लेट्स मस्ट हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो एक्स और वाई
दोनों इक्वल होने चाहिए और ऑपोजिट होने चाहिए, और ये जो बाहर वाले चार्जेस हैं ये Q1 प्लस Q2 बाई 2 होना चाहिए, ये हमें प्रूव करना है। ओके तो देखते हैं अब कंसेप्ट क्या है। ये क्योंकि ये मेटल है, ये जो शेडेड पोर्शन है ये मेटल है, तो यहाँ फील्ड नेट ज़ीरो होनी चाहिए और यहाँ भी फील्ड ज़ीरो होनी चाहिए। तो इन चार सर्फेसेस की वजह से यहाँ और यहाँ फील्ड लिखेंगे और उसको ज़ीरो करेंगे, विल गेट द आंसर्स। ओके तो देखते हैं यहाँ पर फील्ड ज़ीरो करने के लिए पहली फील्ड आ रही है Q1 माइनस एक्स बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एरिया से डिवाइड किया सिग्मा आ गया, बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फील्ड आ गई, और ये फील्ड आ रही है टुवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट वाली फील्ड को हम माइनस साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है। प्लस एक्स की वजह से यहाँ फील्ड आएगी टुवर्ड्स राइट, सारे चार्जेस मैंने पॉजिटिव अज्यूम कर लिए, तो दैट विल बी एक्स बाय एरिया सिग्मा हो गया बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली वाई की वजह से भी आएगी टुवर्ड्स राइट, सो दैट विल बी वाई बाय ए 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस इसकी वजह से Q2 माइनस वाई बाय एरिया ये सिग्मा हो गया बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मस्ट बी इक्वल टू 0। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास आ रहा है माइनस Q1 प्लस 2x प्लस Q2 इज इक्वल टू 0। सो एक्स इज व्हाट, एक्स इज Q1 माइनस Q2 बाय 2। ओके अब यहाँ पर फील्ड ज़ीरो करते हैं, यहाँ पर चारों की वजह से फिर से फील्ड लिखते हैं। Q2 माइनस वाई की वजह से Q2 माइनस वाई, और ये फील्ड है बाय एरिया 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड है इस Q2 माइनस वाई की वजह से टुवर्ड्स राइट, सॉरी टुवर्ड्स लेफ्ट, और लेफ्ट वाली फील्ड को हम यहाँ मैंने उल्टा अजम्पशन ले ली थी, मैंने दिस राइट फील्ड इज ट्रीटेड एज नेगेटिव, यहाँ ये कर दिया, ठीक है। तो कोई नहीं, सारी फील्ड्स एक डायरेक्शन में, किसी भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव है उसके ऑपोजिट नेगेटिव ले सकते हैं। तो देखते हैं लेफ्ट में फील्ड Q2 माइनस वाई, तो इसको आप माइनस ट्रीट कर लें, प्लस वाई की वजह से राइट दैट इज वाई बाय ए 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस एक्स की वजह से भी राइट एक्स बाय ए 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस Q1 माइनस एक्स की वजह से भी राइट, सो दैट इज ए 2 एप्सिलॉन नॉट, सबकी फील्ड मिलाकर 0। सो व्हाट वी आर गेटिंग Q2 प्लस 2y प्लस Q1 इज इक्वल टू 0, सॉरी माइनस Q2 आ रहा है, सो दैट इज वाई इज हाउ मच, वाई इज Q2 माइनस Q1 बाय 2। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हमने ये तो प्रूव कर दिया है कि x इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है, और जब ये x इक्वल टू माइनस वाई है तो अंदर जो टोटल चार्ज है वो 0 हो गया, दिस इज 0, सो सारा चार्ज बाहर दिखाई देगा, और Q1 माइनस एक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ, Q1 माइनस एक्स इज नथिंग बट Q1 प्लस Q2 बाय 2, आप वैल्यू डाल के देखें, और सेम वैल्यू ही Q2 माइनस वाई के लिए आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल बाय 2 यहाँ, Q टोटल बाय 2 बाहर दिखाई देता है और अंदर वाली सरफेसेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट दिखाई देता है। अगर टू प्लेट्स हैं तो वो उनका डिफरेंस डिवाइड बाय 2 होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, बहुत बहुत फेमस एक्सप्रेशन है और कई जगह यूज होता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू लार्ज मेटल प्लेट्स ईच ऑफ साइड लेंथ एल, इनका एरिया दे रखा है एल स्क्वायर, ये एक स्क्वायर शीट्स है और यहाँ लिखा नहीं है मगर मान लेते हैं एल स्क्वायर एरिया है, और इनको आपने चार्ज दिया 4 सिग्मा L² एंड माइनस सिग्मा माइनस 6 सिग्मा L² ऑन, वी हैव टू फाइंड द चार्जेस ऑन देयर ईच सरफेस एंड फील्ड टू द लेफ्ट इन बिटवीन देम राइट, ठीक है, इन सब जगह पर फील्ड। तो इसको आपने चार्ज दिया है कितना, 4 सिग्मा L² और इसको चार्ज दिया आपने माइनस 6 सिग्मा L²,
व्हाट इज द टोटल चार्ज? टोटल चार्ज इज माइनस टू, सो यहाँ नजर आएगा माइनस सिग्मा एल स्क्वायर टोटल बाय टू, और यहाँ भी नजर आएगा माइनस सिग्मा बाय एल स्क्वायर, दैट इज द चार्ज। तो अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करें तो यहाँ सिग्मा माइनस का, यहाँ सिग्मा, यहाँ चार्ज नजर आना चाहिए। इस पूरी शीट पर चार्ज है 4, माइनस सिग्मा यहाँ आ गया तो ऑब्वियसली यहाँ 5 सिग्मा एल स्क्वायर दिखना चाहिए, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी नजर आएगी 5 सिग्मा। इसी तरीके से यहाँ टोटल चार्ज था माइनस 6, माइनस 1 इधर दिख गया, तो यहाँ चार्ज दिखेगा आपको माइनस 5 सिग्मा एल स्क्वायर, तो यहाँ सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी माइनस 5 सिग्मा। ओके, अब फील्ड आप निकाल सकते हैं, जैसे कि फील्ड टू द लेफ्ट ऑफ द शीट्स, टू द लेफ्ट, यहाँ यहाँ ध्यान दें, चार फील्ड्स आएंगी चारों सर्फेसिस की वजह से, मगर काम की बात यह है इन दोनों की फील्ड बाहर नहीं निकल पाती क्योंकि आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, फिर भी एक बार पहली बार दिखा देते हैं। पहली फील्ड माइनस सिग्मा की वजह से टूवर्ड्स, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दूसरी फील्ड 5 सिग्मा की वजह से अवे, 5 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तीसरी फील्ड माइनस 5 की वजह से टूवर्ड्स, 5 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और चौथी फील्ड माइनस सिग्मा की वजह से, अगेन किधर, माइनस सिग्मा की वजह से टूवर्ड द शीट, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों एरोज आपस में कैंसिल हो रहे हैं, सो वी आर लेफ्ट विद हाउ मच, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स राइट। ठीक है, वैसे ही इस रीजन की बात करें तो यहाँ बाहर वाले चार्जेस की वजह से ये प्लस माइनस सिग्मा की वजह से अंदर फील्ड कैंसिल हो जाएगी। देखते हैं, पहले इस माइनस सिग्मा की वजह से टूवर्ड्स सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 5 सिग्मा की वजह से टूवर्ड्स लेफ्ट, सॉरी टूवर्ड्स राइट, 5 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, -5 की वजह से टूवर्ड्स राइट, 5 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड माइनस सिग्मा की वजह से टूवर्ड्स द शीट, सो दैट इज राइट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस सिग्मा ने इस सिग्मा की फील्ड को कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ फील्ड सिर्फ अंदर वाले चार्जेस की वजह से आती है। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन बिटवीन द प्लेट्स फील्ड सिर्फ इनर चार्जेस की वजह से आती है, आउटर रीजन में फील्ड सिर्फ आउटर मोस्ट चार्जेस की वजह से आती है। ठीक है, सो दैट इज कमिंग आउट टू बी, ये फील्ड कितनी आ रही है, 5 5 एड वे, सो दैट इज 5 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टूवर्ड्स राइट। यहाँ फील्ड आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी वही कंसेप्ट लगाया जा सकता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फील्ड होगी एंड टूवर्ड्स वो लेफ्ट होगी क्योंकि यहाँ फील्ड टूवर्ड्स राइट थी, तो आउटर मोस्ट रीजन में सेम फील्ड जस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मेटल प्लेट्स को इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस दे दिए हैं। ठीक है, सो द नेट चार्ज ऑन द सिस्टम इज जीरो। अब आपको फील्ड बतानी है, जैसे ही नेट चार्ज सिस्टम जीरो हुआ तो बाहर चार्ज आया ही नहीं। अगर आप दो मेटल शीट्स को इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज दे देंगे तो बाहर चार्ज जीरो होगा और सारा चार्ज अंदर नजर आएगा, जिसका सिग्मा उन्होंने बोला हुआ है सिग्मा है। पक्की बात है, अभी हमने किया, यहाँ फील्ड जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ फील्ड आउटर मोस्ट चार्जेस की वजह से आती है, यहाँ भी फील्ड जीरो हो जाएगी और सिर्फ फील्ड आपको इस रीजन में दिखाई देगी, दोनों की फील्ड ऐड हो जाएगी, इसकी वजह से आएगी टूवर्ड्स राइट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड द चार्ज, प्लस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगेन अवे फ्रॉम द चार्ज, दैट इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये ऐड होके सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फील्ड बना देते हैं। दैट इज बेसिकली द कैपेसिटर, इन कैपेसिटर वी प्रोवाइड इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, सो देर इज नो चार्ज आउटसाइड एंड देर इज नो फील्ड आउटसाइड एंड द होल फील्ड इज ट्रैप्ड इन दिस रीजन। ओके, एंजॉय।